सब्सक्राइब करें वाइन इंडस्ट्री चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे अल्कोहल बन सकता है। नॉर्मली जो प्रीमियम क्वालिटी की विस्की होती है वहाँ पे क्या होता है कि कॉर्न को पहले भिगोया जाता है, भिगोने के बाद इसका स्प्राउट होने तक इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद इसे ड्राई करके ग्राइंड किया जाता है, फिर पानी में उबाल के इसका जो प्रोटीन है वो ब्रेक किया जाता है और शुगर को अलग किया जाता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है और ये इसलिए किया जाता है कि प्रीमियम क्वालिटी की जो विस्की होती है वो कोई एडिशनल शुगर ऐड नहीं करती, तो पूरा शुगर 100% जो शुगर कॉर्न से निचोड़ने के लिए सब प्रोसेस किया जाता है। लेकिन मैं एक आपको सिंपल तरीका बताऊँगा कि कुछ हिस्सा हम कॉर्न का टेस्ट का ले सकते हैं और एडिशनल शुगर डाल के हम एक अल्कोहल बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कॉर्न लेना है, मैंने 250 ग्राम कॉर्न लिया है, इसे पानी में भिगो के रखना है। आपको पानी डाल के रात भर इसे छोड़ सकते हैं ऐसे ही। पूरी रात छोड़ने के बाद ये फूल जाता है, आप देख सकते हैं 12 घंटे हो चुके हैं। अब क्या करना है, कॉर्न को हमको मिक्सर के जार में लेना है जो हमने भिगो के रखा था। और जो पानी बचा हुआ है उसे भी फेंकना नहीं है हमें। अभी इसे 5 सेकंड मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया है, इसके 4 से 5 टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के बाद जो हमने पानी में भिगो के रखा था वो पानी डालना है, प्लस और हमें 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा डालना है। ये जार को साफ करके डाल सकते हैं। लगभग 2 लीटर पानी मैंने लिया है यहाँ पे, जो कि पकने के बाद उसमें से 500 ml पानी उड़ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करना है, गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और इसे कुक करना है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि 15 मिनट तक 60 से 70 डिग्री के आसपास इसे कुक करना है ढक्कन लगा के, फिर 25 मिनट इसे 80 से 95 डिग्री पे कुक करना है। इससे क्या होगा, इसका शुगर जो है वो पानी में आ जाएगा। पानी को इसे कलेक्ट कर लेना है जो इसके साथ जो पानी में हमने इसे कुक किया था, सारा पानी इकट्ठा कर लेना एक जगह पे। ये जो बचे हुए कॉर्न है इसे फेंकना नहीं है। अभी 250 ग्राम मैंने यहाँ पे शुगर लिया है, मतलब कॉर्न से हमको पूरा शुगर तो नहीं मिल पाया लेकिन 25% तक तो मिल गया होगा। तो जो एडिशनल शुगर की जरूरत पड़ेगी अल्कोहल कन्वर्ट करने के लिए वो मैंने एक्स्ट्रा वाइट शुगर इसमें डाल दिया है। ठंडा होने तक रुके। ठंडा होने के बाद आप इसकी ग्रेविटी चेक कर सकते हैं। ग्रेविटी हमेशा रूम टेम्परेचर या बिलो रूम टेम्परेचर पर ही किया जाता है, तो ही आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे 1100 के आसपास इसकी ग्रेविटी है, मतलब ये काफी हैवी लिक्विड है। अभी जो बचे हुए कॉर्न थे पके हुए उसे हमें फेंकना नहीं था, इसे आप बॉटल में भर दें। ज़्यादा नहीं, पूरा भरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। सेडिमेंट ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस फास्ट होता है। अब जो लिक्विड है ठंडा हुआ है इसे कम्प्लीटली बॉटल के अंदर डाल देना है। मैंने यहाँ पे 2 छोटे-छोटे बॉटल्स लिए हैं। 2 क्यों लिए हैं, आप एक जगह कभी लिक्विड रखोगे फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, अगर छोटी छोटी जगह मतलब कम लिक्विड का फर्मेंटेशन प्रोसेस फास्ट होता है कंपेयर टू ज्यादा लिक्विड रखने के। कंप्लीट बॉटल के अंदर भर दिया है मैंने, आप देख सकते हो 2 अलग-अलग बॉटल लिए हैं मैंने, पानी कम हो गया है जल के। अभी जो ईस्ट है वो इक्वली दोनों में डालें। ईस्ट डालने के बाद आप बलून से इसको कवर कर दें।
ये हो गया पूरा प्रोसेस। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है एक टेस्टी विस्की बनाने का। यहाँ पे हमने प्रोसेस को कट किया है, जो नेचुरल शुगर ना लेते हुए हमने यहाँ पे पहले से बना हुआ शुगर लिया है, तो कॉर्न का सिर्फ टेस्ट यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा इसे हिला के ईस्ट को मिक्स कर देना है आपको। ये एक शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पे एक घंटा हो चुका है, आप देख सकते हो एक घंटे में ये फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसको 9 से 10 दिन तक रखना है। 9 से 10 दिन के बाद इसे अगर डिस्टिल किया जाए तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है मेरे पहले की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा डिस्टिलेशन की, वहां से आप चेक कर सकते हो।